हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, वो वीडियो आ ही गई है जिसका आप सभी को था बेसब्री से इंतजार, यानी कि स्टूडियो टू। लेकिन ये तो मेरा न्यू स्टूडियो है, इससे पहले मैं वीडियो कैसे रिकॉर्ड करता था, आप ये जानना चाहते हैं तो चलो चलते हैं फ्लैशबैक में। सो ये रहा मेरा पुराना सेटअप, इसे घर का डाइनिंग टेबल भी बोला जाता है, लेकिन मेरे लिए ये सबसे पहला स्टूडियो है। इसी ड्राइंग बोर्ड पे मैं अपनी ड्राइंग्स बनाता था एंड इसी चेयर पे मैं बैठता था। यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए ईजल रख के अपनी ड्राइंग चिपकाता था एंड टीवी पे अपने चैनल का लोगो चलाता था। यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने में बहुत मुश्किलें आती थी, कभी किचन में से कुकर की आवाज़ और अगर बाहर से कोई आ जाए तो गेट की आवाज़, और रात को जब सबने खाना खाना होता था तो पूरा सेटअप उठा के जाना पड़ता था। बट थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा स्टूडियो बनाया। तो चलो चलते हैं अपने न्यू स्टूडियो में। तो पुराना वाला सेटअप आपने देख लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे न्यू वाले स्टूडियो में क्या क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये है मेरा प्यारा टेबल जिसपे मैं अपने ड्राइंग्स बनाता हूँ एंड यहाँ साइड पे मैं ऐसे सामान रखता हूँ जो कि मुझे डेली लाइफ में यूज़ करने होते हैं, जैसे कि पेंसिल, इरेजर, स्केचबुक एंड ये है फ़ोन जिसको मैं सिर्फ रेफरेंस फ़ोटो के लिए ही यूज़ करता हूँ। अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे है एक प्लांट जो कि आर्टिफिशियल है लेकिन देखने में बहुत प्यारा लगता है एंड ये है एक ओवर दी हेड स्टैंड जिसको मैं ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करता हूँ। एंड अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे है ड्रॉअर जिसके इधर मैं आर्ट मटेरियल्स के अलावा जो मुझे सामान चाहिए होता है वो रखता हूँ। यहाँ पे एक और कंपार्टमेंट है, यहाँ पे भी बहुत सारा सामान है, आर्ट मटेरियल्स भी हैं। एंड अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे वो सारा सामान मिल जाएगा जिसको मैंने सोचा हुआ है कि मैं कुछ बनाऊँगा, लेकिन आज तक मैंने कुछ भी नहीं बनाया। सब बात करते हैं कि मैं वीडियोस को रिकॉर्ड कैसे करता हूँ। तो रिकॉर्डिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ iPhone XR। एंड अगर लाइटनिंग की बात करें तो मेरे रूम में चारों तरफ लाइट्स तो हैं, लेकिन ड्राइंग पे फोकस करने के लिए मेरे पास रिंग लाइट्स भी हैं। ये छोटी वाली रिंग लाइट जिसका नाम है चांद, और यहाँ पे है बहुत बड़ी वाली रिंग लाइट जिसका नाम है सूरज। एंड रिंग लाइट से पहले भी मैं लाइट्स यूज़ करता था, वो मैं यूज़ करता था ये सॉफ्ट लाइट्स जो कि मैंने खुद बनाई हैं, जिसके लिए मैंने यूज़ किया एक शू बॉक्स और एक बटर पेपर। एंड अगर आपने भी रिकॉर्डिंग करनी है और आप बहुत अभी नए नए आए हैं तो आप इन्हीं चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। एंड ये है मेरे स्टूडियो का बैकग्राउंड जिसके ऊपर मैंने अपने आर्टवर्क्स लगाए हुए हैं। ये है एक ग्लास शेल्फ जिसके ऊपर मैंने ऐसे आर्टवर्क्स लगाए हैं जिनको मैंने फ्रेम करवाया हुआ है, एंड जो आर्टवर्क्स बिना फ्रेम के हैं उन्हें मैंने चिपकाया हुआ है। एंड ये आप सबका प्यार यानी कि सिल्वर प्ले बटन। ये है मेरा ईजल एंड इसका स्टैंड अभी टूट चुका है तो मैंने इसे दीवार के साथ सपोर्ट किया हुआ है। एंड ये है एक लाइट जो कि बैकग्राउंड को और भी खूबसूरत बना देती है। एंड अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे हैं 4 drawers एंड इसके अंदर मेरे सारे आर्ट मटेरियल्स पड़े हैं और शीट्स भी पड़ी हैं। एंड ऊपर मेरी काफ़ी और चीज़ें पड़ी हैं जैसे ये वाली ड्राइंग एंड ये थोड़े और आर्ट मटेरियल्स पड़े हैं। ये मेरा नेशनल अवार्ड एंड यहाँ पे बड़ी है एलेक्सा। एलेक्सा सबको हाय बोलो। अरे भूख भी लग रही है। चलो एलेक्सा, कैन यू मेक पिज्जा फॉर मी? चुप छाप डाल रोटी खा और सो जा। सो स्टूडियो तो मैंने आप सभी को दिखा ही दिया, अब मैं दिखाता हूँ अपना रूम। सो यहाँ पे है मेरा बेड एंड यहाँ पे है 2 speakers, यहाँ पे हेडफोन, यहाँ पे अलार्म जिसके ऊपर मैं अलार्म सेट करता हूँ लेकिन कभी भी उस अलार्म के हिसाब से नहीं उठता। सो यहाँ पे है एक अलमीरा जिसके अंदर सिर्फ कपड़े ही हैं तो क्या ही दिखाना। एंड यहाँ पे है कुछ ट्रॉफीज, यहाँ पे है मेरा गेमिंग बीस्ट जिसके अंदर बहुत ही तगड़ी तगड़ी गेम्स चल जाती हैं। सो गाइज, यही था मेरा स्टूडियो प्लस रूम टूर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन के लिए बाय बाय।